देश के सबसे बड़े तेल क्षेत्र एमपीटी में क्रूड तेल को उत्पादित करने वाली क्रेयन कंपनी में बड़े स्तर पर क्रूड ऑयल चोरी का बड़ा घोटाला सामने आया है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि तो हुई है, साथ ही क्रेयन की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। बाड़मेर जिले के नागाणा पुलिस थाने की महिला लेडी सब इंस्पेक्टर केसर कंवर द्वारा कुछ दिन पहले पकड़े गए क्रूड ऑयल से भरे टैंकर के बाद अब बाड़मेर तेल के लिए उस मामले में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने पिछले 4 साल में 50 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल चोरी कर सरकार और कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने क्रूड तेल चोरी में लगे 33 टैंकरों को जब्त कर 100 लोगों को नामजद कर 25 लोगों को हिरासत में लिया है। इतना ही नहीं, क्रूड ऑयल को लोकल स्तर पर बेचने के अलावा गुजरात, कोलकाता, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भी सप्लाई किए जाने का खुलासा हुआ है। टोटल इसमें से 39 टैंकर जो इन्वॉल्वमेंट हैं उसमें से 33 टैंकर हमारे कब्जे में अभी तक आ चुके हैं और करीबन 25-1 लोग हमारी हिरासत में हैं, जिसमें कुछ लोग हमने अरेस्ट भी कर लिए और बाकियों से पूछताछ जारी है। ये जो केन वाले खुद के नीचे वाले ऑफिशियल्स हैं वही इसमें मिले हुए हैं और इसमें मैं सोचता हूँ भी आगामी आने वाले दिनों में हम भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेके हुए इनके साथ केन वालों के साथ बैठक करेंगे।